जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। व्यवस्था विवरण 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ भी घटी नहीं हुई। मूसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसराइलियों से डिस्कस कर रहा है और वो ये कहता है कि तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर था इस जंगल में। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि लिखा है इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा है। अब ड्यूटरोनॉमी 8:2 में लिखा है कि याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके वो ये जानना चाह रहा था कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इंग्लिश में ध्यान दीजिए, गॉड लेड दीज 40 ईयर्स, मतलब कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा था, परमेश्वर इन 40 सालों में तुम्हारे साथ रहा था। ये मेन फोकस था बात का। इसराइलियों की एक बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें समय समय पर यह महसूस होता था कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं है। मस्सा और मरीबा में भी परमेश्वर की परीक्षा करके वो यही बात कहते हैं। परमेश्वर तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा की है। आज हम भी जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम सबसे पहले यही सवाल सोचने बैठ जाते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं है। इसराइली 40 साल में बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर है भी कि नहीं है। लेकिन मूसा कहता है कि ये सब परमेश्वर ही कर रहा था और वो 40 सालों में तुम्हारे साथ ही था। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहता है तब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, उसकी प्रशंसा करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब मुसीबत का समय शुरू होता है तब ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर है ही नहीं, है तो कहाँ गया, वो बीच में क्यों नहीं आया, उसने कुछ किया क्यों नहीं, क्या वो मुझे भूल गया और वो कब दोबारा फिर से आएगा। ऐसी बातें विश्वासियों के मन में आती हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अय्यूब। अय्यूब 23:8 में लिखा है, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं देता। यहाँ अय्यूब के हालात ये चल रहे हैं कि उसे परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा है। नवी आयत में वो कहता है, जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता और वो तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। क्या पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आजकल के विश्वासियों की हालत हो जाती है कि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, चुप हो गया है, कहाँ चला गया है, या परमेश्वर है भी कि नहीं। लेकिन नहीं, 10वीं आयत में अय्यूब ये कहता है, लेकिन वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब समझ जाता है कि उसकी परीक्षा चल रही है। अय्यूब ये तो कह रहा है कि लेफ्ट और राइट में जब काम हो रहा है तो परमेश्वर तो इन्वॉल्व है, लेकिन परमेश्वर दिख नहीं रहा है। अब 40 सालों में जैसे इजरायली ये समझ रहे थे बीच बीच में कि परमेश्वर पता नहीं कहां चला गया, नजर नहीं आ रहा है, हमारे बीच में है कि नहीं है, और मूसा उन्हें याद दिलाता है कि इन 40 सालों में परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा है, वो तुम्हें लेड करता हुआ चला है आगे आगे। ये जो आसमान से खाने को मिल रहा है, ये जो जूते कपड़े फट नहीं रहे हैं, ये परमेश्वर की आशीष है और ये परमेश्वर तुम्हारे साथ होने का प्रमाण है। अय्यूब के जीवन में वो परमेश्वर के चुप रहने का समय था और ऐसे ही इसराइलियों के समय में परमेश्वर के चुप रहने का समय था। ना ही अय्यूब के समय में परमेश्वर कहीं चला गया था और ना ही इसराइलियों के समय में परमेश्वर जंगल में उन्हें छोड़कर चला गया था। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये तो परमेश्वर के चुप रहने का समय है और वो उसकी मर्जी है। अपने बुरे समय में भी हम विश्वासियों को कभी भी परमेश्वर पर डाउट नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की परीक्षा करना हो जाता है ये। परमेश्वर उनकी परीक्षा कर रहा था और वो परमेश्वर की परीक्षा कर गए ये बोल करके कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं है। ऐसे समय में बाइबल ये कहती है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूँ। ये भजन 46:10 में लिखा है। ये एक युक्ति है, ये एक तरीका है। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। नो का मतलब है कि आपको अपने दिमाग में ये फैसला लेना है कि परमेश्वर है। ये अभी उसके चुप रहने का समय है और ये मेरा विल्डरनेस का टाइम है, लेकिन मुझे संदेह नहीं करना है कि परमेश्वर कहीं नहीं रहा, कहीं था ही नहीं। ऐसे समय में चुपचाप बैठ करके आपको मेडिटेट करना चाहिए कि परमेश्वर ने बीते समयों में आपको कहां से निकाला है, क्या क्या भलाइयां की हैं आपके साथ, और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद परमेश्वर का जब वो समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर फिर से महसूस होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो बहुत सारे चेलों को यकीन नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जी उठे हैं, और यीशु मसीह की एक इच्छा है जो कि सिर्फ लूका ने रिकॉर्ड की है, 24:38, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं। हमारे मन में डाउट उठे ये यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते हैं। इसे अपना विल्डरनेस एक्सपीरियंस समझिए, इसे परमेश्वर के चुप रहने का समय समझिए और आनंद मनाइए। मेडिटेट करिए कि परमेश्वर ने कैसी भलाइयां बीते समयों में आपके साथ की हैं। ऐसे ही समय में बहुत सारे विश्वासियों की हवा निकल जाती है। आपकी ना निकले। सबको जय मसीह की।